नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम श्वेता है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है, अभी यशिका और रुद्रांश अभी तक सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो फिर क्यों ना आज ये वाला जो ड्रॉअर है मेरा, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर, तो उसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो चलिए फटाफट से ऑर्गेनाइज करती हूँ। सबसे पहले इसको खाली करती हूँ। खाली करने के बाद मैं इसको सही से सारा सामान इसमें रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सामान है ना कि इधर उधर। एक मिनट, थोड़ा सा गला में ना वो खसखस हो जाता है, तो फिर बस। तो जितने भी सामान है ना सब इधर उधर ऐसे करके हैफजर्डली रखे हुए, तो फिर मैंने सोचा कि जैसे दवाई हुआ और जो मतलब इमीडिएट जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सारा कुछ मैं इसमें अरेंज करके रखती हूँ। पहले तो जयंत का जितना भी ऑफिस का जितना भी सामान था और कुछ कुछ उसके सामान थे, तो वो सारा कुछ मैं इसमें रखती थी। तो फिर अभी क्या किया है कि जयंत का एक पर्टिकुलर अलमारी उसको दे दिया, उसी में सारा सामान रखती हूँ उसका। तो अब ये वाला है कि इसमें अब जगह है, तो इस जगह को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूँ और इसको काम करने लायक बनाऊँ। तो चलिए फटाफट से इसको सबसे पहले मैं खाली करती हूँ। खाली करने के बाद में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सारा ड्रॉअर मैंने अभी ठीक करके रख दिया। सारा ड्रॉअर अभी पूरा कुछ पूरा अभी सामान इसमें रखा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ सामान जो है अभी बाकी है। अभी ये सारे फ्रेम्स निकाल के रखे हैं क्योंकि इसको ठीक कराना बाकी है। यहाँ पे देख सकते हो आप, थोड़ा सा टूट गया है तो उसको ठीक कराना है। मेरा ये वाला फ्रेम का इसका शीशा टूट गया है, उसको ठीक कराना है। और ऊपर का अभी साफ़ सफाई किया नहीं, ऊपर का शीशा अभी साफ़ करूँगी। तो ये वाला जो ड्रॉअर है इसमें मैंने सिर्फ बच्चों का रखा है सामान, डायपर हुआ और वेट वाइप्स हुआ और इनका जो लोशन है वो है, और जो नहाने के बाद जो इमीडिएट जो सामान लगते हैं जैसे विटामिन डी के ड्रॉप्स हुए, नेजो क्लियर हुआ, पाउडर हुआ, लैक्टोकैलामाइन भी रखती हूँ मैं इन दोनों के लिए, कभी कभार लगाने के लिए रैशेज वगैरह अगर निकल जाते तो उसके लिए। नेल कटर है इसमें, तो ये सारा कुछ इसमें रखा है मैंने, ठीक है। ये वाला जो ड्रॉअर है इसमें मैंने सिर्फ मास्क रखा है तो मास्क का पूरा भंडार है ये वाले ड्रॉअर में। तो ये बच्चों का N95 है और यहाँ पे हम लोगों का N95 है, और यहाँ पे जो सर्जिकल मास्क है वो है, ये यूज़ वाले है जो कि मतलब धो करके रखा हुआ है, क्लोथ वाले सारा कुछ ये वाले ड्रॉअर में रखा है, क्योंकि मास्क की ज़रूरत अभी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, मतलब वो तो अपना पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है मास्क तो ये जो सेकंड वाला जो ड्रॉअर है इसमें मैंने रखा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा ड्रॉअर का ना दिक्कत हो गया है, ठीक कराना होगा। तो इसमें सारे जो भी मेडिसिंस है वो सारा कुछ रखा है। बीच वाले में जितना भी थर्मोमीटर हुआ और बीपी का मशीन हुआ और क्या वही ऑक्सीमीटर है, ये सब, ये सारा कुछ इसमें रखा हुआ है। और यहाँ पे जितना भी दवाई वगैरह इसमें भी सारे मेडिसिंस है, ये सारे मेडिसिंस ये नहीं कि हम डेली खाते, कुछ कुछ जो कि ज़रूरत पड़ सकता है, ज़रूरत के टाइम पे काम आ सकता है, वो सारे मेडिसिंस है इसमें। पैरासीटामोल, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी और ORS और पुदीन हरा, गैस की दवाई, ये सारा कुछ इसमें होम्योपैथिक की सारी दवाइयाँ हैं जो कि कभी कभार यूज़ कर लेते हैं हम लोग तो ये सेकंड वाले ड्रॉअर में ड्रॉअर को ठीक कराना होगा, क्योंकि ये सही से ना खुल नहीं रहा है और बंद नहीं हो रहा। तो ये सेकंड वाला ड्रॉअर है। जो थर्ड वाला जो है इसमें मैंने इनका जो नेबुलाइज़र है वो रखा है, स्टीम का
कप्स अभी रखा है, बाकी जो मशीन है अभी धुलने के लिए डाला हुआ है, तो फिर उसको यहाँ पे रख दूँगी मैं। एक नोटबुक रखा है यहाँ पे, और ये जो है ना इंटरकॉम वाली जो टेलीफोन, ये भी यहाँ पे ही रखा है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इसको बार बार, इसका तार खोल करके बार बार तोड़ सकते हैं, तो इसीलिए एक बार किया भी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग करके रख दिया है। और बाकी तो यहाँ पे माई गेट ऐप करके होता है, जिससे कि आप मतलब एंट्री अप्रूव कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे मेरा स्किपिंग रोप है, कभी कभार कर लेती हूँ, अभी मतलब अभी मन करता है तो, पहले नहीं करती थी। तो ये गुड नाइट, ये सारा कुछ रखा है यहाँ पे, कुछ छुट्टे पैसे, मेरा छोटा सा पर्स यहाँ पे रखा है, यहाँ पे जैंथ का शेविंग का जो भी है ट्रिमर वगैरह रखा है, यहाँ पे मैंने छोटे से इस बास्केट में सुई धागा कैंची, इस वाले छोटे से बॉक्स में मैंने रखा है जितने भी पुराने बटन्स जो खुल जाते हैं ना, तो वो सारा कुछ मैं इसी में रखती हूँ। ये मैंने यहाँ पे कालका जी मंदिर से ख़रीदा था 30 रुपीज़ का, ये हुआ बटन्स हो गया, और ये सारा जितना भी फीता वगैरह सुई सूता जो भी है वो सारा इस वाले में रखा है। तो बहुत ही ज़्यादा घोच पोच नहीं किया है मैंने, ये वाला मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने सैनिटरी पैड्स वगैरह रखे, तो वो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये वाला इसमें रखा है, और अम्ब्रेला रखा है नीचे में, तो ये पहले मैं लगा दूँ, ये तो खुला अगर रह गया ना तो फिर उत्पात कर देंगे दोनों। तो बस इसी तरीके से मैंने अरेंज किया अपने चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स को, ज़्यादा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा वॉच पॉच नहीं किया है, ज़्यादा सामान नहीं रखा है। अब इस जो भी मुझे याद आते रहेगा तो वो मैं रख लूँगी इसमें, जो भी अगर इमीडिएट नीड वाला जो भी सामान हुआ तो वो मैं इसमें अब रख लूँगी, कि हाँ ये चीज़ ज़रूरत पड़ सकता है, तो तुरंत अपना ड्रॉअर खोला, अपना आराम से निकाला, यूज़ किया, तो वो सारा कुछ अब इसमें रखूँगी। ज़्यादा वैसे भी मैं इसको चेस्ट ऑफ ड्रॉअर का बेस को घोच पोच नहीं करूँगी। तो बस इसी तरीके से मैंने किया है ऑर्गेनाइज इसको, और कैसा लगा आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन बताइएगा ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और ये वाला वीडियो मैं अब बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो या क्वेरीज हो, जो भी हो आप कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आप मेरे साथ में जुड़े रह सकें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थिंक पॉजिटिव। चलो बाय बाय।